नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है एस्ट्रो जेडी पामिस्ट्री के इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लेसन कंप्लीट करेंगे लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा के बारे में, माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा के बारे में, हार्ट लाइन मतलब हृदय रेखा के बारे में, मैरिज लाइन के बारे में, संतान रेखा के बारे में, मणिबंध रेखा के बारे में और लक लाइन यानी भाग्य रेखा के बारे में। और हाथ में कुछ एक लकी और स्पीशियस सिग्नेचर्स मतलब साइंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं वी साइन, एम साइन और एक्स साइन। चलिए फ्रेंड्स, अपने आज के सब्जेक्ट को हम शुरू करते हैं। आज के सेशन को देखने के बाद आप इन लाइंस और साइंस को अच्छे से पहचान सकते हैं और इनकी क्या वर्किंग होती है इसके बारे में जान पाएंगे। शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि हमें हाथ कौन सा देखना है। राइट हैंड भी होता है, लेफ्ट हैंड भी होता है, लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो हमें अपना कार्मिक हाथ देखना चाहिए, जिस हाथ से हम लिखते हैं, जिस हाथ से हम खाते हैं। तो जिस हाथ से हम लिखते और खाते हैं और मेजरली दिन के सभी काम करते हैं, उसी हाथ में इन साइंस को आप देख सकते हैं और उनसे लिंक कर सकते हैं। तो चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, मेल या फीमेल, कोई भी अगर अपना हाथ अगर देखता है तो अपने कार्मिक हाथ को देखें। कुछ लोग अपने दोनों हाथों से काम करते हैं तो वो दोनों हाथों में इन साइंस को देख सकते हैं, लेकिन हस्तरेखा परीक्षण के समय हम एक कार्मिक हाथ की मेजर लाइंस को जरूर सब्जेक्ट बनाते हैं, जरूर उसका परीक्षण करने की कोशिश करते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा के बारे में। तो इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की जड़ की तरफ बीच से एक लाइन निकलती है जिसे हम लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहते हैं। वह कुछ इस तरीके की होगी और आपकी रिस्ट यानी कलाई की ओर मणिबंध रेखा की ओर जाएगी। फ्रेंड्स, अगर इस लाइन के साथ अंदर की तरफ कुछ और भी घुमावदार रेखाएं या कर्व जैसी आकृति बन रही है, ऐसी छोटी छोटी और रेखाएं बन रही है, तो अगर ऐसी रेखाएं बन रही है तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपको सपोर्ट करता होगा, यानी कि आपकी कामयाबी में किसी दूसरे इंसान का हाथ होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। यह आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर या सिस्टर्स हो सकते हैं, नजदीकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं जिसे हम माइंड लाइन, ब्रेन लाइन या हेडलाइन या फिर मस्तिष्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, माइंड लाइन कुछ इस प्रकार से आप अपने हाथ में देख सकते हैं। माइंड लाइन का यह मतलब होता है कि आपकी सोचने की क्षमता, पढ़ाई लिखाई या फिर मेमोरी कैसी होगी। अगर यह लाइन लंबी है और गहरी है तो इसका मतलब है कि आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, दिमाग की क्षमता काफी बढ़िया होगी और ये दिखाती है कि आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प है। पर कुछ लोगों के हाथ में यह लाइन काफी लंबी होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से, स्क्रीन पर देखिए, कुछ इस तरीके से अगर यह लाइन है तो इसका मतलब है कि मेमोरी जो है वह बहुत ही अच्छी है। ऐसे लोगों को पुरानी से पुरानी बातें याद रहती हैं, कौन सी चीज कहाँ रखी है ये कभी नहीं भूलते और बरसों पुरानी बातें इनको याद रहती हैं। लेकिन ज्यादातर यह रेखा हाथों में कुछ इस तरीके की पाई जाती है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे लाइफलाइन और माइंड लाइन आपस में मिल रही हैं। अगर यह आपस में मिल रही होती है तो उस सिनेरियो के अंदर व्यक्ति जो भी काम करता है वह दूसरों की सलाह जरूर लेता है। जीवन में कुछ भी करना है तो वह चाहेगा कि सारे लोग मिलके काम करें, तो यह एक बहुत अच्छा साइन होता है। लेकिन कुछ हाथों के अंदर यह लाइन इस तरह की भी होती है। यह लाइफ लाइन से थोड़ी अलग है, यानी कि इंडेक्स फिंगर के नीचे ये लाइन जो कुछ गैप बना रही है, दूर हटकर चल रही है। फ्रेंड्स, अगर यह गैप बना रही है, दूर हटकर चल रही है, तो ऐसे लोग होते हैं, वह सुनते तो सबकी हैं पर करते अपने मन की हैं। ऐसे लोग सेल्फ डिसीजन लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, यानी अगर यह लोग कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो उसे कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं, किसी और की सलाह नहीं लेते क्योंकि इन्हें सलाह लेना पसंद नहीं होता, एडवाइस लेना पसंद नहीं होता, क्योंकि यह मानते हैं कि अगर अच्छा होगा तो उनके साथ होगा, बुरा होगा तो उनके साथ होगा, क्योंकि यह सेल्फ मेड होते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई छोटी सी रेखा इन दोनों रेखाओं को यहां पर अगर मिला देती है तो इसके अंदर यह लोग दूसरे लोगों की सलाह लेते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसे ही करते हैं। तो यह रेखा भी काफी कम हाथों में देखने के लिए मिलती है
बट देखने को मिल ही जाती है। चलिए फ्रेंड्स, हम अगली लाइन की बात करते हैं जिसे बोलते हैं हार्ट लाइन, यानी हृदय रेखा। हार्ट लाइन जो है वह कनिष्ठिका उंगली यानी कि पिंकी फिंगर या कहें कि लिटिल फिंगर के नीचे से निकलती है और यह कर्व बनाती हुई शनि पर्वत की तरफ जा रही हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वह लोग हर चीज में प्रॉफिट देखते हैं, यानी कि वह हर चीज को लॉजिकली देखते हैं कि इसमें फायदा हो रहा है या नहीं। ऐसे लोग अगर किसी इंसान से प्यार भी करते हैं तो यह देखते हैं कि इसे प्यार करने में प्रॉफिट है या लॉस है, यानी कि दूसरे इंसान को अगर अपने जीवन में लाएंगे तो उन्हें क्या क्या एडवांटेजेस होंगी। अगर यही रेखा कुछ इस तरीके से बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए, स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से गुरु पर्वत यानी जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है और यहाँ पर कर्व बना रही है। यदि ऐसे लोग प्यार करते हैं ना तो वे इसमें मोल भाव नहीं करते क्योंकि इनका प्यार सच्चा होता है। फ्रेंड्स, एक सबसे अच्छी चीज अगर हार्ट लाइन को देखें तो कुछ इस तरीके का कर्व बनाती है, घुमाव लेती है, स्क्रीन पर समझ सकते हैं। अगर हार्ट लाइन कुछ इस तरीके का कर्व बना रही है फ्रेंड्स, तो समझे कि आपका जीवन साथी जो है ना बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होगा, इंटेलिजेंट होगा, और सबसे अच्छी बात है जब आप उसके साथ जाएंगे ना तो आपको प्राउड फील होगा अपने जीवन साथी को इंट्रोड्यूस करते हुए। अगर लड़का है तो उसकी वाइफ जो है वह बहुत सुंदर होगी, इंटेलिजेंट होगी और उसे अपनी वाइफ पर प्राउड होगा। अगर लड़की है तो उसे अपने हस्बैंड के ऊपर काफी प्राउड होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, इसे बोलते हैं मैरिज लाइन यानी विवाह रेखा। दोस्तों, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, चाहे तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मैरिज लाइन की, जो लिटिल फिंगर होती है और हार्ट लाइन होती है उसके बीच में एक रेखा यहाँ पर इस तरीके से अगर बनती है तो इस रेखा को कहा जाता है मैरिज लाइन यानी विवाह रेखा। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस विवाह रेखा से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शादी किस उम्र में होगी। अगर यह बिल्कुल बीच में आ रही है तो यह एस्टिमेट लगाया जाता है कि शादी 25 साल से लेकर 30 साल के बीच में हो सकती है, 27-28 साल में हो जाए ऐसा भी हो सकता है, 29 या 30 तक हो जाएगी ऐसा भी हो सकता है। अगर यह रेखा हृदय रेखा के पास आ जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि शादी जल्दी हो जाती है, यानी कि जल्दी होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि उम्र के 20th ईयर में या 22nd ईयर में या फिर 24 या 25 साल की उम्र तक शादी हो सकती है, और यह रेखा लिटिल फिंगर की तरफ बढ़ जाए तो उसके अंदर शादी जो है वह देरी से होती है, यानी कि यह कुछ इस तरीके से लिटिल फिंगर के पास पहुंच जाए तो हो सकता है कि शादी जो है वह 31 साल की उम्र में हो, 34 की में हो या 36 में, और बहुत ज्यादा अगर लिटिल फिंगर के पास है तो हो सकता है 41 से 42 साल में भी शादी हो। तो शादी में देरी हम इस लाइन को देखकर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। आमतौर पर यह रेखा बीच में ही होती है और अगर उस रेखा के साथ छोटी छोटी ऐसी लाइंस हैं, अगर यहाँ पर देखने को यह मिल रही है तो इसका मतलब होता है कि आपको अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होगा। अगर मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं, आकर्षण महसूस कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो मेल्स के प्रति अट्रैक्शन फील हो सकता है। हो सकता है कि इनका छोटा मोटा अफेयर अटैचमेंट भी चल जाए। इन छोटी रेखाओं का ज्यादातर आंसर यही होता है कि आप दूसरे के प्रति अट्रैक्शन आकर्षण फील कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगली लाइन की, जिसे बोलते हैं संतान रेखा। फ्रेंड्स, कनिष्ठिका उंगली यानी लिटिल फिंगर के नीचे अगर ऐसी छोटी छोटी लाइनें अगर आपको दिखाई दें और यह लाइट हो तो इसका मतलब यह हो सकता है कि जो संतान होगी वह लड़की होगी। अगर यहीं पर थोड़ी सी डार्क लाइन्स हो और थोड़ी लंबी हो तो इससे यह प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि जो संतान होगी वह लड़का होगी, लेकिन इसके लिए पति और पत्नी दोनों के हाथों को देखने की जरूरत पड़ती है और जन्मपत्री देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संतान होगी, जो भी होगी वह लड़का होगी या लड़की होगी। दूसरे हम संतान से संबंधित जब रेखाएं देखते हैं तो शुक्र पर्वत के नीचे का यह स्थान भी कंसिडरेशन में लिया जाता है, यानी कि देखा जाता है यहाँ पर ये खड़ी लाइंस भी संतान के प्रश्नों के उत्तर दे देती हैं। अगर ये खड़ी लाइंस कम है या नहीं है तो संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आती है, और अगर ये डार्क है और संख्या में काफी है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी संतान हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगली लाइन की बात करते हैं जिसे कहते हैं मणिबंध रेखा। यह कलाई के ऊपर होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपकी मणिबंध एक रेखा है तो इस तरीके से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस रेखा में कुछ ब्रेकेजेस आ रहे हैं, यानी कि यह रेखा कुछ कटी हुई है,
कुछ इस तरीके से यह रेखा बन रही है। इस तरीके से तो आपकी हेल्थ में दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि हेल्थ थोड़ा खराब रह सकती है। और अगर एक से ज्यादा मणिबंध रेखाएं हैं, जिस तरीके से दूसरी रेखाएं भी मणिबंध में बन रही हैं, तो आपको बहुत रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलता है। यदि इस रेखा के अंदर भी कुछ रुकाव आ जाते हैं, यानी कि थोड़ी सी कटी हुई रहती है तो कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर हो सकता है कि आपको कहीं पर भी अपमान सहना पड़ सकता है। और अगर एक और रेखा यहाँ पर बनी हुई है कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास धन भी बहुत होगा, और अगर यह थोड़े से ब्रेकेजेस के साथ है तो धन का आना जाना लगा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, जो कि है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा इस तरीके से निकलती शनि पर्वत की तरफ जाती है। दोस्तों, इसी भाग्य रेखा को धन रेखा, लक्ष्मी रेखा, लक लाइन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह भाग्य रेखा जीवन रेखा से अगर टच करती हुई जाती है, स्क्रीन ध्यान से चेक कीजिए, यह रेखा इस तरीके से जाती है तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कहीं से धन लाभ हो या फिर आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, लेकिन आपकी जो लाइफ है वह बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि भाग्य आपके साथ है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हथेली में मौजूद शेप्स की और दूसरे साइंस की हम बात करते हैं। यह जो साइंस हैं, जिन्हें हम वी साइन या वी शेप भी बोलते हैं, वी साइन जिस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पर अच्छे से समझिए। जैसे कि मैंने हृदय रेखा के बारे में आपको बताया कि यदि हृदय रेखा कुछ इस तरीके से बन जाए और आगे चलकर वी साइन जैसी आकृति बना दे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे वी शेप बना रही है। इसके अंदर लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनके दोस्त उनको सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो आपको आपके दोस्तों का सहयोग मिलेगा, चाहे वो मोरली करें चाहे फाइनेंशियली करें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके दोस्त आपकी उस काम में भरपूर मदद करेंगे, और यह भी हो सकता है कि वो मदद भी करें और आपको एक सही सक्सेस का रास्ता भी दिखा दें, जिसे आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि वी शेप वाले ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर हम गौर से देखें तो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को भाग्य रेखा यहाँ पर काट रही है, और अगर काट रही है तो एक साइन बन रहा है जिसे हम एम साइन बोलते हैं। स्क्रीन पर गौर फरमाएं, अगर आप यह देखेंगे कि यहाँ पर एक एम साइन बन रहा है, यानी कि हृदय रेखा और हृदय रेखा से भाग्य रेखा नीचे की तरफ आ रही है और फिर वह मस्तिष्क रेखा को काट रही है, और मस्तिष्क रेखा जो है वह जीवन रेखा के साथ मिल रही है, तो कुछ इस तरीके का एम बना रही है। अगर यह एम बन रहा है, स्क्रीन पर फिर से एनिमेशन शेयर कर रहा हूं, यह एक एम बन रहा है, ठीक है, इसे आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर यह एक शेप बन रही है, यहाँ पर क्लियरली एक एम बन रहा है। ऐसे लोग जो है ना, वह काफी इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क के साथ करते हैं, भाग्य उनका साथ देता है। अगर यह लोग कुछ अच्छा सोचते हैं तो उसे साकार भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों की हथेली यह दर्शाती है कि यह लोग कुछ भी काम करेंगे ना तो उसमें उन्हें सफलता जरूर मिलेगी, चाहे वो जॉब करें या चाहे बिजनेस करें, इन्हें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अब आप लोगों को एक्स साइन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। यदि यह यहाँ पर एक रेखा कुछ इस तरीके से हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटे और बीच में ही यह भाग्य रेखा को काट दे, तो यह एक एक्स साइन बनता है कुछ इस तरीके से। अगर ऐसा एक साइन बन रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसे लोगों के हाथ में काफी पैसा आएगा, यह जो भी काम करेंगे उससे धन बहुत ज्यादा संचित होगा। ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है वह ऐशो आराम से भरपूर लग्जरियस लाइफ होती है। ऐसे लोग अपना बड़ा घर बनाते हैं, मनचाही गाड़ी में ट्रेवल करते हैं और मनचाही डेस्टिनेशंस पर यात्राएं भी करते हैं, क्योंकि इनका भाग्य इनका साथ देता है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि लोग इनका सपोर्ट करते हैं। और भाग्य रेखा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भाग्य रेखा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटती है तो ऐसे लोग बुद्धिमान भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। यानी कि अगर यह लोग कुछ आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो होगा क्या कि ऐसे लोगों को अगर धन की जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं से धन का इंतजाम भी हो जाएगा। ऐसे लोगों को अगर सही लोगों की जरूरत होगी तो यह उन सही लोगों से जुड़ जाएंगे जो कि इनके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इनका भाग्य इस तरीके से बना हुआ है। इनके हाथ में धन रेखा भी है, तो ऐसे लोग जो भी होते हैं वह लग्जरियस लाइफ जीते हैं। वैसे भी यह जो एरिया होता है हाथ के सेंटर में, इसे हम राहु का एरिया यानी कि राहु का मैदान कहते हैं। यहीं से हमें पता लगता है कि इंसान के पास कितना धन रहेगा, उसका भाग्य उसका कितना साथ देगा, और जब वह किसी काम को करेगा तो कंडीशन उसके फेवर में होगी
या नहीं। फ्रेंड्स, अगर सारी रेखाएं आपके हाथ में हैं, तो यकीन मानिए आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है और यूनिवर्स की सारी ताकत मिलकर आपका साथ दे रही है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर आपके हाथ में वी है, एम है और एक्स भी बन रहा है, तो इसके अंदर यह होता है कि भाग्य आपका साथ देगा। आप बुद्धिमान हैं, स्मार्ट और हार्ड वर्कर हैं और जो भी काम करेंगे तो आसपास का एनवायरनमेंट, यूनिवर्स भी उसमें पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करेगा और आप एक शानदार जिंदगी जिएंगे। आशा करता हूं फ्रेंड्स कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा, मणिबंध रेखा, भाग्य रेखा और वी साइन, एम साइन और एक्स साइन के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।